असल स्टूडेंट्स आई एम योर टीचर फरा सिदी की फ्राम पब्लिक स्कूल वेलकम टू ई लर्निंग क्लास एट सब्जेक्ट फ़िजिक्स टुडे वी डिस्कस द लेक्चर नंबर थर्टीन फ्रॉम चैप्टर नंबर वन फिज़िकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट चलिए बेटा हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं ओपन योर नोट्स ताकि आप लोगों को अगर कोई नोट्स में कोई प्रॉब्लम आती है समझने में तो ताकि आप लोगों को इजी हो जाए तो इसीलिए मैं नोट्स से आप लोगों को करवा रही हूँ you <laughs> क्वेश्चन नंबर वन है आपके पास राइट द नंबर इन प्रिफिक्स टू पावर ऑफ़ टेन आपने प्रिफिक्स टू पावर ऑफ़ टेन में इसको चेंज करना है हम प्रिफिक्स का टॉपिक कर चुके हैं पहले तो आप लोगों को ये करने में कोई आ, मुश्किल नहीं होनी चाहिए ठीक है तो प्रिफिक्स बेसिकली पावर ऑफ़ टेन की फॉर्म होती है और उसको हमने स्पेशल नेम असाइन किया होता है तो ये कह रहे हैं कि आपने नंबर्स को प्रिफिक्सिस टू पावर ऑफ़ टेन की फॉर्म में चेंज करना है तो इसका पार्ट ए आपके पास मैकेनिकल नैनो ऑसिलेटर्स कैन डिटेक्ट अ मैथ चेंज एस स्मॉल एस टेंस माइनस ट्वेंटी वन के जी आपके पास मैकेनिकल नैनो ऑसिलेटर्स जो है वो बेसिकली मैथ को डिटेक्ट करता है तो ये जो आपको मैथ गिवन है इसको हमने पावर ऑफ टेन की फॉर्म में चेंज करना है तो गिवन की हेडिंग आपको सबसे पहले दी हुई है मैथ कॉमा एम इज इक्वल टू टेंस बाइनस ट्वेंटी वन के जी आपने लिखना है देन आपने की हेडिंग देनी है टू चेंज इट इन ग्राम तो अब हम इसको ग्राम में चेंज करेंगे क्योंकि के जी आपको गिवन है और किलो जो है वो आपके पास प्रिफिक्स है तो इसका मतलब है कि हमने इसको ग्राम में चेंज करना है इस के की वैल्यू को हमने यहां पुट करना है इस क्वेश्चन का मतलब ये है मैं सोल्यूशन की हेडिंग देनी है मैस कॉमा एम इज़ इक्वल टेंस माइनस ट्वेंटी वन के जी तो के आपके पास जो है वो किलो होता है एज वी नो दैट वन किलो इज इक्वल टू टेंस टू पावर थ्री अगर आपको याद नहीं होता तो प्रीफिक्स टेबल से आप काइंडली इसको याद कर लें तो देखिए आपके पास टेन एस पावर माइनस ट्वेंटी वन और के की जगह हमने किलो की वैल्यू टेन एच पावर थ्री पुट कर दी तो आपके पास हो गया टेन रेस्ट पावर माइनस ट्वेंटी वन इंटू टेन पावर थ्री ग्राम बेसिस सेम है पावर्स ऐड हो जाएंगे टेन एस्ट पावर माइनस ट्वेंटी वन प्लस थ्री ग्राम टेन रेस्ट पावर माइनस एटीन हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस और ट्वेंटी वन में से थ्री माइनस करेंगे तो एटीन आ गया और ग्रेटर का साइन माइनस आ गया तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हम इसको चेंज कर चुके हैं ट्रांसफॉर माइनस एटीन ग्राम लेकिन अगर आप लोग इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो आपके पास है टेन्सप माइनस एटीन ग्राम और हमें पता है एज वी नो दैट टेन स्पा माइनस एटीन किसके इक्वल कि, क्या स्पेशल नेम इसको असाइन हमने किया था एटो तो सो एम इज इक्वल टेन्स पा माइनस एटीन ग्राम को हम लिखेंगे वन इंटू टेन्सपा माइनस एटीन ग्राम और टेन स्पा माइनस एटीन की जगह मैं पुट कर दूंगी एटो तो आपके पास ये हो जाएगा वन एटो ग्राम ठीक है तो आपके पास ये आ जाएगा देखिए टेनस पाव एटीन की जगह मैंने ए लिख दिया स्मॉल ए क्योंकि आपके पास एटो हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं तो आपके पास मैस आपका हो जाएगा वन एटो ग्राम तो आपके पास हो जाएगा रिजल्ट में इन प्रिफिक्स फॉर्म पाव माइनस ट्वेंटी वन के जी कैन बी रिटर्न एज वन एटो क्लियर हो गया थोड़ी सी यहाँ पे ये के जी की मिस्टेक होगी आपके नोट्स में तो आप इसको दोनों चीज़ों को अपने नोट्स में ठीक भी करते जाइएगा यहाँ तक आपका पार्ट ए हो गया पार्ट बी आपके पास देखे हैं द नेरियस्ट न्यूट्रॉन स्टार जो सबसे करीब न्यूट्रॉन स्टार है अ कोलैप स्टार मेड प्राइमरीली ऑफ न्यूट्रॉन इज अबाउट 3.00 पॉइंट जीरो जीरो इंटू टेन एस पावर एटीन मीटर अवे फ्रॉम अर्थ आर्थ से कितना दूर है ये स्टार ये स्टार थ्री पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो इंटू टेन पावर एटीन मीटर अब इस वैल्यू को जो डिस्टेंस हमें गिवन है क्योंकि बेसिकली ये आपका डिस्टेंस की वैल्यू है तो ये डिस्टेंस जो हमें गिवन है हमने इसको प्रिफिक्स टू पावर ऑफ टेन की फॉर्म में चेंज करना है तो इसी पेज पे आपका गिवन की हेडिंग दे के आपको लिखा हुआ डिस्टेंस ऑफ नीरियर स्टार इज़ इक्वल टू थ्री पॉइंट जीरो ज़ीरो इंटू टेन पावर एटीन मीटर नेक्स्ट पेज पर आप देखें सोलूशन की हेडिंग होगी डिस्टेंस इज इक्वल टू थ्री पॉइंट जीरो जीरो माइनस एटीन मीटर एज वी नो देट आपके पास टेन रेज टू पावर एटीन आप यहाँ देखें जो पावर ऑफ टेन की वैल्यू है इसको एक स्पेशल नेम असाइन किया गया है प्रिफिक्सिस टू पावर ऑफ़ टेन में और वो आपके पास है एग्जा क्या है एग्जा और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई से ठीक है तो आप लिखेंगे सो थ्री पॉइंट जीरो जीरो एटीन मीटर इज इक्वल टू इस, तो इस मल्टीप्लाय टेनरिस टू पावर एटीन की जगह मैं एग्जा लिख दूंगी तो आपके पास आंसर आ गया थ्री एग्जा मीटर तो रिजल्ट आ गया डिस्टेंस ऑफ नेरियर स्टार इज इक्वल टू थ्री एग्जा मीटर क्लियर हो गया अब आपके पास सी पार्ट इसी क्वेश्चन नंबर वन का सी पार्ट है आपके पास अर्थ टू सन डिस्टेंस अर्थ और सन के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो है 149.6 मिलियन किलोमीटर अब आपने इसको प्रिफिक्स टू पावर ऑफ टेन की फॉर्म में चेंज करना है तो आपका गिवन आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन एस इज़ इक्वल टू 149.6 मिलियन किलोमीटर सॉल्यूशन में अब देखें डिस्टेंस इज इक्ल टू मिलियन किलोमीटर सबसे पहले आपने इस मिलियन की वैल्यू पुट करनी है उसके बाद इस किलो की तरफ हमने मूव करना है ठीक है तो आपको पता है कि वन मिलियन एज वी नो वन मिलियन इज इक्वल टू टेन एस टू पावर सिक्स मिलियन की वैल्यू होती है टेन एस टू पावर सिक्स सो डिस्टेंस इज इक्वल टू वन फोर्टी नाइन पॉइंट सिक्स इस मिलियन की जगह हम पुट कर देंगे टेन एस टू पावर सिक्स और किलोमीटर अपनी जगह आ जाएगा अब हमने इस किलो की वैल्यू को पुट करना है एज वी नो दैट वन किलो इज इक्वल टू टेनरे टू पावर थ्री किलो की वैल्यू क्या है टेनस टू पावर थ्री सो 149.6 फोटी टेन एस पावर सिक्स पहले था तो किलो की जगह हम पुट कर देंगे टेन एस टू पावर थ्री मीटर तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पे बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी तो 149.6 इन नाइन पॉइंट टू पावर सिक्स प्लस थ्री मीटर तो 149.6 फोटी नाइन पॉइंट सिक्स इंटेन एस टू पावर नाइन मीटर अब आप, आप देखें टेनिस टू तो पावर नाइन भी प्रीफिक्स में एक वैल्यू एक नाम है इसका तो वो क्या है एज वी नो टेन एस पावर नाइन इज़ इक्वल टू तो गीगा और गीगा को हम लिखते हैं कैपिटल जी से तो देयर फॉर एस इज़ इक्वल टू वन फोर्टी नाइन पॉइंट सिक्स गीगा मीटर तो रिजल्ट में आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज इक्वल टू वन फोर्टी नाइन पॉइंट सिक्स गीगा मीटर ये आपका नोमेरिकल नंबर वन कंप्लीट हो गया थ्री पार्ट्स थे मैंने आपको समझा दिए हैं काइंडली आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी नोमेरिकल नंबर टू की तरफ देखते हैं नोमेरिकल नंबर टू इज एन एंगस्ट्रॉम सिंबल ए डिग्री इज यूनिट ऑफ लेंथ एक्स्ट्राम जिसको हम ए डिग्री से लिखते हैं ये यूनिट ऑफ लेंथ है कॉमनली यूज इन अटोमिक फिज़िक्स कहाँ पे यूज किया जाता है अटोमिक फिजिक्स में यूज़ किया जाता है डिफाइन एज टेन रिस्पाव माइनस टेन मीटर और हम इसको डिफाइन uh, करते हैं कि आपके पास वन एंगस्ट्राम किसके इक्वल है टेन रिस्पाव माइनस टेन मीटर के विच इज़ ऑफ ऑर्डर ऑफ द डायमीटर ऑफ एन एटम लेकिन और हम इसे क्या कहते हैं कि ये डायमीटर ऑफ एन एटम है ये जो टेनस पावर माइनस टेन मीटर है ये किस चीज़ की वैल्यू है डायमीटर ऑफ एन एटम की वैल्यू और इस टेनस पावर माइनस टेन को हम इक्वल uh, लिखते हैं वन एंगस्ट्राम के ये टेनस पावर माइनस टेन इक्वल है वन एक्स्ट्रॉम के एक्सट्रॉ एक्स्ट्राम के ठीक है सॉरी इसके पार्ट ए में अब आपसे क्या पूछते हैं पार्ट ए में आपसे कहते हैं हाउ मैनी नैनोमीटर्स आर इन वन एंगस्ट्रॉम कहते हैं कि एक एंगस्ट्रॉम में वन एंगस्ट्रॉम में कितने नैनोमीटर्स हैं वन एंगस्ट्रॉम कितने नैनोमीटर्स के इक्वल है ये आपसे पार्ट ए में पूछ रही हैं तो गिवन में आप लिख देंगी वन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टेनस्पावर माइनस टेन मीटर के एक एंगस्ट्रॉम आपके पास इक्वल है टेन्स पावर माइनस टेन मीटर के रिक्वायर्ड की हेडिंग दे के लिखेंगी मीटर्स इन एंगस्ट्रॉम क्योंकि आपसे यही पूछा है ना कि कितने नैनो मीटर्स होते हैं वन एंगस्ट्रॉम में तो नैनो मीटर्स इन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क सोल्यूशन की हेडिंग देंगी तो एज गिवन जो हमें गिवन है वो हमें क्या था वन एंगस्ट्रॉम आप उसके सिम्बॉलिक फॉर्म में लिखेंगे वन कैपिटल ए डिग्री इज इक्वल टू टेन एसपावर माइनस टेन मीटर तो एज वी नो दैट क्योंकि हमें पता है प्रिफिक्स में हमने पढ़ा है कि वन नैनो जो होता है उसकी वैल्यू होती है टेन एक्सपावर नाइन के ठीक है तो देअर फॉर वी कैन राइट तो हमने इसी इसी फॉर्म को थोड़ा सा चेंज किया है थोड़ा सा हमने इसको ओपन किया है तो उसमें हमने लिखा कि वन एंगस्ट्रॉम इज़ इक्वल टू क्योंकि हमें पता है बेसिस सेम होती हैं तभी पावर्स ऐड होती हैं तो हमने इसको स्प्लिट कर दिया टेनिस पाव माइनस टेन को स्प्लिट कर दिया और मैंने लिखा टेनिस पावर माइनस नाइन मल्टीप्लाई टेनिस पाव माइनस नाइन टेन एसपाव माइनस वन मल्टीप्लाई टेनस पावर माइनस नाइन मीटर मतलब बेसिस सेम होंगी वापस ऐड होकर टेनस पावर माइनस टेन बनता है हमारे पास तो हमने इसको स्प्लिट कर दिया क्योंकि हमें टेन एस पावर माइनस नाइन चाहिए था ठीक है तो अब ये टेन एस पावर नाइन किसके इक्वल है नैनो के तो नैनो को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से तो मैंने हमने इसकी जगह लिख दिया नैनो ठीक है तो ये हो गया टेनस पाव माइनस वन नैनो मीटर ठीक है टेन स्पावर माइनस वन आपके पास वन बाय टेन की इक्वल है क्योंकि आप इसको इधर डिनोमिनेटर में वन है आप इसको चेंज करें तो वन डिवाइडेड बाय टेन आता है नैनो मीटर और वन डिवाइड बाई टेन इज़ इक्वल टू जीरो पॉइंट वन नैनो मीटर तो वन एंगस्ट्रॉम में कितने नैनोमीटर्स है जीरो पॉइंट वन नैनो मीटर तो रिजल्ट में आप लिखेंगे इन वन एंगस्ट्रॉम स्ट्रॉम देयर इज़ीरो पॉइंट वन नैनो मीटर तो ये आपका पार्ट ए यहाँ सॉल्व हो गया चलिए क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट भी देख लेते हैं हाउ मैनी फेमटोमीटर्स और फर्मिस द कॉमन यूनिट ऑफ लेंथ इन न्यूक्लियर फिजिक्स अब न्यूक्लियर फिजिक्स में जो लेंथ का यूनिट यूज़ किया जाता है वो फेमटोमीटर्स में ठीक है आर इन वन एंगस्ट्रॉम कहते हैं कि इन न्यूक्लियर फिजिक्स जो है वन एंगस्ट्रॉम आपके पास कितने फेमटोमीटर्स के इक्वल है तो गिवन आपके पास वही वन एंगस्ट्रॉम वन एक्स्ट्राम इज इक्वल टू टेनस्पाव माइनस टेन मीटर आपको यही गिवन है रिक्वायर्ड में आपसे फैम्टो मीटर्स पूछ रहे हैं कि वन एंगस्ट्राम में कितने फेमटो मीटर्स हैं ठीक है एज वी हैव गिवन सोल्यूशन की हेडिंग दे के उसी तरह आप लिखेंगी कि हमें क्या गिवन है वन एंगस्ट्राम इज इक्वल टेनिस पाव माइनस टेन मीटर तो पहले तो इसमें नैनो था टेनस्पाव माइनस नाइन तो हमने स्प्लिट कर लिया लेकिन अब हमें टेनिस फैमटो की जो वैल्यू वो माइनस फिफ्टीन है ठीक है एज वी नो देट वन फेम टू इज़ इक्वल टेन स्पाव माइनस फिफ्टीन अब माइनस टेन जो है माइनस फिफ्टीन से कम है तो आपके पास हमें ये वैल्यूज वैल्यू value लानी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे अगर मैं इस माइनस टेन में माइनस फाइव ऐड कर दूँ तो मेरे पास माइनस फिफ्टीन आता है तो इसलिए मैं यहाँ पर ये एक सेंटेंस लिखूंगी आप लोग भी अपने नोट्स में लिख लीजिएगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टेन रिस्पाव माइनस फाइव मैं इस टेन रिस्पाव माइनस टेन के साथ टेन स्पावर माइनस फाइव को एक दफ़ा मल्टीप्लाई करूँगा और एक दफ़ा डिवाइड करूँगी तो जो ये मल्टीप्लीकेशन में मेरे पास बेसिस हैं ये आपके पास सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड। तो टेन स्पावर माइनस टेन माइनस फाइव आपके पास ऐड हो जाएगा मल्टीप्लाई वन बाय टेन माइनस फाइव मीटर अपनी जगह आ जाएगा ठीक है माइनस टेन माइनस फाइव गिव्स यू टेन एसपा माइनस फिफ्टीन और आपके पास मल्टीप्लाई वन डिवाइड बाई टेन एसपा माइनस फाइव मीटर आ गया वन एंग स्ट्राम इज इक्वल टू टेन स्पावर माइनस फिफ्टीन इस टेन स्पावर माइनस फाइव को मैं डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेकर आऊँगी तो यहाँ माइनस है तो ये न्यूमिनेटर में आकर प्लस फाइव हो जाएगा तो टेन स्पावर माइनस फिफ्टीन इंटू टेन एसपा फाइव मीटर जगह थोड़ी सी रिप्लेस करेंगे टेनिस पावर माइनस फिफ्टीन को मैं यूनिट के बिल्कुल पहले लिख लूँगी और टेनिस पावर फाइव को मैं यहाँ लिख लूँगी ठीक है ये मैंने इसलिए किया किया क्योंकि टेनस पावर माइनस फिफ्टीन की जगह मैं प्रीफिक्स इसका लिखूँगी तो आपके पास ये प्रीफिक्स हमेशा यूनिट से पहले लिखा जाता है तो दैट्स तो वाई मैंने इसकी जगह थोड़ी सी रिप्लेस की है तो आपके पास वन एंगस्ट्रॉम स्ट्रॉम और टेन्स पावर माइनस फिफ्टीन की जगह आप क्या लिख लेंगी फेमटो तो देखिए वन एंड इज इक्वल टेनस पावर फाइव इन टेस्ट पावर माइनस फिफ्टीन मीटर है टेनस पावर माइनस फिफ्टीन इक्वल होता है फैमटो के और फेमटो हम स्मॉल एफ से लिखते हैं तो वन एन इज इक्वल टेन एस पावर फाइव मीटर तो वन एनस्ट्राम में कितने फेमटो मीटर्स होते हैं टेनिस पॉवर फ़ाइव फैमटो मीटर यहाँ पर आपके पास पार्ट भी कम्पलीट हो गया नोमेरिकल नंबर टू का पार्ट सी देख लें हाउ मैनी एंगस्ट्रॉम्स आर इन वन मीटर कहते हैं कि वन मीटर में अब कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं गिवन में उसी तरह वन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टेन स्पाव माइनस टेन मीटर लेंथ अब आपको कितनी गिवन कर दी है वन मीटर वन मीटर में पूछा है आपसे कि कितने एंगस्ट्रॉम स्ट्रॉम है रिक्वायर्ड में आप लिखेंगे एंगस्ट्रॉम्स इन वन मीटर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क सोलूशन में आप लिखेंगे एज वी हैव गिवन वन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू टेन्स पर माइनस टेन मीटर तो अब हमने मीटर में पूछना है तो देखिए मीटर भी मौजूद है तो मैं क्या करूँगी कि इस मीटर के साथ मुझे यहाँ पर वन चाहिए टेन एसपावर माइनस टेन नहीं चाहिए तो मैं कहूँगी डिवाइडिंग टेन एसपावर माइनस टेन ऑन बोथ साइड ठीक है मैं इसको डिवाइड कर दूंगी तो आपके पास यहां भी ये डिवाइड हो जाएगा और यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा यहाँ डिवाइड होकर यहाँ पे कटिंग होकर वन रह जाएगा आपके पास और यहाँ पर आके ये वन डिवाइड बाई टेन एक्सपावर माइनस टेन एंगस्ट्रॉम हो जाएगा तो आपके पास वन मीटर इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई टेन एसपावर माइनस टेन एंगस्ट्रॉम हो जाएगा डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाएंगे तो माइनस टेन प्लस टेन हो जाएगा तो आके

नंबर द स्पीड ऑफ लाइट इज दिस टू नाइन नाइन सेवन नाइन टू फोर फाइव एट मीटर पर सेकेंड आपको स्पीड ऑफ लाइट आपको कहा गिवन है पार्ट ए में आपसे पूछ रहे हैं दिस इज योर पार्ट ए ठीक है पार्ट ए में आपसे पूछ रहे हैं राइट दिस वैल्यू इन साइंटिफिक नोटेशन आप ये जो स्पीड ऑफ लाइट आपको गिवन है इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है और हम साइंटिफिक नोटेशन का टॉपिक पढ़ चुके हैं साइंटिफिक नोटेशन जो है हम जो लार्जर वैल्यूज होती हैं या स्मॉलर वैल्यूज़ होती हैं उनको हम कंपैक्ट फॉर्म में लिखते हैं टेनिस टू पावर की फॉर्म में लिखते हैं और उसके लिखने का एक फार्मूला आपको एक मैथमेटिकल फॉर्म दी गई थी वो यहाँ देखें गिवन में हमने लिखा स्पीड ऑफ लाइट सी टू नाइन नाइन सेवन नाइन टू फोर फाइव एट मीटर पर सेकेंड सलूशन में आप लिखेंगी टू कन्वर्ट द वैल्यू इन साइंटिफिक नोटेशन वी यूज़ द फार्मूला वो फार्मूला क्या था एन इज़ इक्वल टू एम इंटू टेन एस पावर एन की फॉर्म में आपने इसको चेंज करना है एन इज़ योर गिवन नंबर जो कि स्पीड ऑफ लाइट है आपके पास एम जो है वो आपके पास मेंटीसा होता है मतलब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट मल्टीप्लाई और टेन आप साथ आपके पास कांस्टेंट है स्मॉल एन इज योर आप जितो आप जितना डेमिस सॉरी मूव करेंगी वो आपके पास यहाँ पर वैल्यू आती है ठीक है फिर आपके पास हम लिखेंगे इन स्टैंडर्ड फॉर्म सी इज इक्वल टू टू नाइन नाइन सेवन नाइन टू फोर फाइव एट मीटर पर सेकेंड इज़ इक्वल टू ये पूरा आप मैंटिसा एम की जब एम की उसमें लिखती हैं मल्टीप्लाई टेन अभी हमने डेसिमल नहीं शिफ्ट किया तो ये ज़ीरो और मीटर पर सेकंड अपनी जगह पर आ जाएगा ठीक है अब मैं डेसिमल शिफ्ट करूँगी तो आपके पास सी इज़ इक्ल टू टू नाइन नाइन सेवन नाइन टू फोर फाइव एट पॉइंट अब एट के बाद आपके पास डेसिमल है और उसके बाद मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ जीरो डाला है मल्टीप्लाई टेनिस पावर जीरो मीटर पर सेकेंड इस पॉइंट को मैंने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पुट करना है तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इज़ टू तो टू के बाद डेसीमल आएगा अब कितने डिजिट्स पुट शिफ्ट करना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट डिजिट आपके पास शिफ्ट होगा टू वर्ड्स किस तरफ है आपके पास लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड पे तो पॉजिटिव आपके पास पावर आएगी ठीक है तो आपके पास ये आपका गिवन नंबर हो गया ये आपके पास देखिए टू पॉइंट नाइन नाइन सेवन नाइन टू तो ये पॉइंट आपका टू के बाद आ गया और इन टू टेन पावर एट प्लस आया क्योंकि मैं लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया मीटर पर सेकेंड ये आपके पास जो है पूरा आपके पास इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करके आपके पास ये आंसर आ गया ठीक है पार्ट बी आपके पास है ये आपका पार्ट बी है और पार्ट बी में आपसे कह रहे हैं कि एक्सप्रेस द स्पीड ऑफ लाइट टू फाइव सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक भी पढ़ लिया है सिग्निफिकेंट फिगर्स जो आपके पास इंपॉर्टेंट्स नंबर होते हैं और आपके पास फर्स्ट आपके पास आपका एग्जैक्ट नंबर होता है और फिर उसके बाद आपके पास फर्स्ट डाउटफुल नंबर मिलकर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स देते हैं ठीक है अब ये कहते हैं जो पूरा आपके पास आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में पार्ट ए में चेंज किया है ना इसको आप सिर्फ फाइव सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमें आंसर दें ठीक है तो आपने यहाँ गिवन की हेडिंग देनी है स्पीड ऑफ लाइट कॉमा सी इज़ इक्वल टू टू पॉइंट नाइन नाइन सेवन नाइन टू फोर फाइव एट इंटू टेन एज टू पावर एट मीटर पर सेकेंड वही जो पार्ट ए का आपके पास आंसर आया था वही हम यहाँ लिखेंगे ठीक है फिर आपने रिक्वायर्ड की हेडिंग देनी है आपको फाइव सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर चाहिए ठीक है सोल्यूशन में देखें एज स्पीड ऑफ लाइट इज अब ये इस वी को हटा के आपने सी करना है ठीक है स्पीड ऑफ लाइट आपके पास क्या है टू पॉइंट नाइन नाइन सेवन नाइन टू फोर फाइव पर एट मीटर पर सेकेंड अब इसमें फ़ाइव सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से हैं तो अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स में जो हमने रूल्स पढ़े थे तो जो लास्ट वाला रूल था वो साइंटिफिक नोटेशन के लिए था तो ये तो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं आता ठीक है ये अब सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो इसमें अब फर्स्ट फाइव को टू नाइन नाइन सेवन नाइन यहां तक की वैल्यू को आपने आंसर में लिखना है सो द फाइव सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी 2.9979 पॉइंट नाइन नाइन सेवन नाइन एट मीटर पर सेकेंड बाकी तो इसको तो आप नहीं हटा सकती ये तो आएगा लेकिन ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होता सिग्निफिकेंट फिगर्स में ये वाली वैल्यू सिर्फ काउंट होती है मैंटिसा ठीक है ये जो पावर की फॉर्म है ना ये काउंट नहीं होती तो इसलिए इसमें आप फाइव सिग्निफिकेंट फिगर्स लेकर आएंगे और ये एज़ इट इज़ आपके पास आएगा ठीक है तो आपके पास रिजल्ट में आप लिखेंगी स्पीड ऑफ लाइट इन फाइव सिग्निफिकेंट फिगर्स इज़ टू पॉइंट नाइन नाइन सेवन नाइन एट मीटर पर सेकेंड यहाँ आपका पार्ट बी कम्प्लीट हो गया थर्ड पार्ट में आपसे कह रहे हैं कि इसी स्पीड ऑफ लाइट को थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में करके दें ठीक है आपके अभी फाइव सिग्निफिकेंट फिगर्स में किया था तो उसको अब आपने थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में करके देना है ठीक है तो फिर गिवन उसी तरह आप लिख लेंगे स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू पॉइंट नाइन नाइन सेवन नाइन टू फोर फाइव एट मीटर पर सेकेंड मतलब आपने ये साइंटिफिक नोटेशन में जो चेंज किया था पार्ट ए में उसी को ही यूज़ करना है रिक्वायर्ड की हेडिंग देंगे स्पीड ऑफ लाइट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स क्वेश्चन मार्क आ गया सल्यूशन में ए स्पीड ऑफ लाइट इज इस वी की जगह आपने नोट्स में भी सी करना है ठीक है जहाँ जहाँ वी है आपने उसको सी कर देना है 2.9979245 पॉइंट मीटर पर सेकेंड विच वी टेप विच वी टेक अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थ्री इंटू टेन इस पावर एट मीटर पर सेकेंड ठीक है अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही कि ये मैडम ने डायरेक्ट कैसे कर लिया तो आप इसको थ्री सिग्निफिकेंट डिजिट तक आप इसको पहले लिखें तो आपके पास आ जाएगा सी इज़ इक्ल टू टू पॉइंट नाइन नाइन इंटू टेन एज टू पावर एट मीटर पर सेकेंड ठीक है ये आपके पास आ गया फिर हमने राउंडिंग ऑफ पढ़ा था तो इस 2.99 को मैं राउंड ऑफ करूंगी तो 2.99 को राउंड ऑफ जब मैं करूंगी तो आपके पास लास्ट डिजिट इज नाइन जो कि फाइव से ग्रेटर है तो फाइव से जब ग्रेटर होता है तो जब इसको हम इग्नोर करते हैं तो ये यहाँ पर एक प्लस वन कर देगा तो नाइन प्लस वन टेन हो जाएगा टेन का ज़ीरो आपके पास यहाँ पर आ गया ठीक है ये भी ज़ीरो आ गया ये भी जीरो आ गया और यहाँ जब इसने वन कैरी किया तो आपके पास थ्री हो गया तो थ्री पॉइंट जीरो जीरो इंटू टेन इस पावर एट मीटर पर सेकेंड आपके पास स्पीड ऑफ़ लाइट इन थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स आती हैं और इन डेसीमल जो आपके पास राइट साइड पर जीरोज़ होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं सो द थ्री सिग्नीफिक ट फिगर्स आर सी इज इक्वल टू 3.00 पॉइंट पर 8 मीटर पर सेकेंड रिजल्ट स्पीड ऑफ़ लाइट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3.00 पॉइंट जीरो जीरो टेंस फॉर एट मीटर पर सेकेंड यहाँ आपके थ्री नोमरिकल्स कंप्लीट हो गए हैं बेटा इन थ्री नोमरिकल्स में अगर आपने देखा हो तो आपका प्रीफिक्स का टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन का टॉपिक और सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक तीनों इसमें आपके पास कवर हो रहे हैं तो काइंडली आप टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ें उसको उसको याद करें उसको प्रैक्टिस करें ठीक है तब आपको वो टॉपिक्स क्लियर होंगे तो ये नोमेरिकल्स आपको क्लियर हो जाएंगे सो रिमेनिंग नोमरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो थैंक यू स्टे होम स्टे सेफ अल्लाह हाफ़िज